कोलेस्ट्रॉल से आज पूरी दुनिया भयभीत है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो आदमी मर जाएगा। और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए इतने यत्न करते हैं फिर भी वो कंट्रोल नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए एलोपैथी की जो गोलियां खाई जाती हैं उससे लीवर रोड डैमेज हो जाता है, उसके भयंकर कॉम्प्लिकेशंस, बहुत ज़बरदस्त उसके साइड इफेक्ट्स हैं। कोलेस्ट्रॉल इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि एक तो शारीरिक श्रम बहुत कम हो गया है, दूसरा लोग तले भुने पदार्थ बहुत ज़्यादा खाते हैं, फ्राइड चीज़ें बहुत खाते हैं, गरिष्ठ आहार बहुत करते हैं। जो किसान हैं, मजदूर हैं, कारीगर हैं, मेहनत कश लोग हैं, उनको कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता ही नहीं है। उनका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है, ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल रहता है, उनका एलडीएल वीएलडीएल सब कुछ ठीक रहता है, एचडीएल उनका बढ़ा हुआ होता है, जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है और जो है वो खून को जमने नहीं देता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ करके कहीं जम जाता है, लेकिन यदि एचडीएल आपका हाई है तो आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि देखा गया है कि जिन लोगों का 60 या उससे ज़्यादा एचडीएल रहता है उनका कोलेस्ट्रॉल 400-500-700 भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जैसे जैसे मांसाहार बढ़ता जा रहा है, तली हुई चीज़ें हम ज़्यादा खाते जा रहे हैं, गरिष्ठ भोजन ज़्यादा करते जा रहे हैं, ट्रांसफैट, एक तो गाय के दूध में, गाय के घी में जो है ये जो ट्रांसफैट है इसकी मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन जो भैंस का दूध है और खास करके ये जो आज रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं और इसमें भी जो पाम ऑयल और कई तरह के ऐसे खराब खराब तेल हम खाते हैं, और देसी घी तो और उसमें भी गाय का हो तो सबसे अच्छा है, लेकिन ये जो आजकल वनस्पति घी जो तेल को जो है गैस के द्वारा उसको क्रिस्टलाइज करते हैं उसका और उसमें कई तरह के केमिकल्स डालते हैं, वो तो बहुत ही डेंजरस होता है, वो तो कभी नहीं खाना चाहिए, किसी को भी नहीं खाना चाहिए। तो इससे जो है ट्रांसफैट जो हमारे खाने में कई रूपों में अंदर जा रहा है, खास करके जो तले हुए पदार्थ उनमें तो ट्रांसफैट बहुत बड़ी मात्रा में होता है, और ये ट्रांसफैट कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या हार्ट अटैक करता है। ये ट्रांसफैट तो हमारी बॉडी में बहुत ही कम जाना चाहिए, इसकी मात्रा होनी चाहिए 1-1.5-2% बस, लेकिन जो हम तेल और घी आदि और जो भी चीज़ें तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, जो पैक्ड फूड खा रहे हैं, डब्बा बंद जो भोजन कर रहे हैं, उसमें तो ट्रांसफैट जो है 10-20 से लेकर 30-40% तक हो जाता है, जो बहुत ही डेंजरस हो। हमारे देश के लोगों को ऐसे भी फूड एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन बहुत कम होता है, इसके कारण से कोलेस्ट्रॉल लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या करें कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए? एक तो आप मिला जुला अनाज खाया करें। हमने देखा, हमने गेहूँ, सोयाबीन, चना, ज्वार, बाजरा, मकई, चौलाई, जौ, सिंघाड़ा, इन 9 अनाजों को मिला करके एक आटा बनाया, नवरत्न आटे के नाम से हम उपलब्ध कराते हैं। फिर एक दलिया बनाया जिसको हम आरोग्य दलिया कहते हैं, गेहूँ, बाजरा और चावल, मूँग 500 ग्राम लेकर के, 20 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम सफ़ेद तिल मिला दिया, ये दलिया बनाया। ये कोलेस्ट्रॉल के लिए, हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए, डायबिटीज़ के लिए, मोटापा के लिए, खून की कमी को दूर करने के लिए और कैल्शियम के लिए ये आटा और दलिया जो आपको हमने बताया ज़बरदस्त लाभ करता है। इसका सेवन इन 5 रोगों की रोगियों को भी करना चाहिए और जो सदा निरोग जीवन जीना चाहते हैं उनको भी करना चाहिए। पहले हमारे यहाँ पर कैल्शियम के लिए, आयरन के लिए, विटामिन्स के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए कोई दवाई नहीं खाते थे, मिला जुला खाते थे, मिलजुल के रहते थे। मिला जुला खाने से शरीर में कोई कमी नहीं होती थी, मिलजुल के रहते थे तो तनाव नहीं होता था, समाज में सब राजी खुशी से सद्भावना के साथ जीवन को जिया करते थे। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हमें आहार पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सुबह सुबह उठ करके गर्म पानी पिए, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करेगा, मोटापा को नियंत्रित करेगा और आपका पेट बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए गर्म पानी पिया करें। जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ा हुआ है वे मेदोहर बटी का भी सेवन कर सकते हैं। मेदोहर बटी, त्रिफला गुगल, ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं और मोटापा को भी कंट्रोल करते हैं। किसी किसी का जो शरीर बहुत मोटा नहीं होता, ओबेस की नहीं होते, मोटापा उनमें नहीं होता, लेकिन ट्रांसफैट और दूसरी चीज़ें जाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो कपालभाति प्राणायाम ज़बरदस्त लाभ करता है। 15-20 मिनट से लेकर के बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ तो आधा घंटे तक कर सकते हैं। कपालभाति के साथ साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कोलेस्ट्रॉल के रोगियों को करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम तो जरूर करना चाहिए जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, इससे लीवर भी अच्छा होगा और कोलेस्ट्रॉल तो तुरंत कंट्रोल होगा। एक खास बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के साथ साथ बहुत ज़रूरी है
कोलेस्ट्रॉल के जो बढ़ने से जो कॉम्प्लिकेशंस हमारे शरीर में आते हैं, हार्ट अटैक होता है और ब्रेन हेमरेजिया होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो है ये कपालभाति बड़ी भूमिका निभाता है। कपालभाति के साथ साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कोलेस्ट्रॉल के रोगियों को करना चाहिए, और अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ साथ लौकी का जूस ये सबसे अच्छा होता है, तो लौकी का जूस पीने से भी कोलेस्ट्रॉल एकदम कंट्रोल रहता है। हमने अपने शिविरों में देखा, शिविर करने के पहले और शिविर करने के 6 से 7 दिन के बाद, कभी पहले हम 9 दिन के भी शिविर किया करते थे, तो शिविर करने के 5, 7 या 9 दिन के बाद हमने लोगों का देखा कि कोलेस्ट्रॉल 50 से लेकर के 100, 150, 200 पॉइंट तक कम हो जाता है। तो एक सप्ताह के अंदर ही आप अपना कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं प्राणायाम की प्रैक्टिस करके। तो भस्त्रिका कपालभाति बाह्य प्राणमुज्जायिनी अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीथ प्रणव प्राणायामों का नियमित रूप से अभ्यास कीजिए, आपका कोलेस्ट्रॉल 100% कंट्रोल में रहेगा। अपने आहार पर थोड़ा नियंत्रण कीजिए, सुबह उठ करके गर्म पानी पीजिए। किसी किसी को जेनेटिकली भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, वह भी प्राणायाम के द्वारा, लौकी के जूस के द्वारा 100% कंट्रोल में आ जाता है, और आप कोलेस्ट्रॉल को तो कंट्रोल कर ही पाएंगे परमानेंट, साथ ही कोलेस्ट्रॉल के कारण से जो आपके शरीर में कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं उनसे आप बच जाएंगे, और एलोपैथी की दवाओं से आपको जिंदगी भर के लिए छुटकारा मिल जाएगा। नहीं तो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करते करते आपका लीवर ठप हो जाए एलोपैथी की दवाओं से।